रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन करवाएंगे। देखिए पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट कर ही रखा है, वहां पर मैंने बता दिया था कि कैसे केपी एंड केसी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। आज हम इनका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे केपी और केसी का रिलेशन निकल के आया था। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ दिनेश नैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थर्मो वगैरह की कोर्सेज हमने सारे करवा रखे हैं आप लोगों को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके सारी वीडियोस देख लीजिए अगर आपको नीट जी इजीली क्रैक करना है, कंसेप्ट समझनी है केमिस्ट्री के। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना। हम देखिए इक्विलिब्रियम के अंदर ही बात करेंगे, इक्विलिब्रियम से तो बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है। और इसके लिए जनरल रिएक्शन क्या रहती है, ए ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है सी सी प्लस डी डी के साथ, ठीक है, डी डी के साथ नहीं डी डी के साथ। ओके, हमें अब इस चीज के बारे में देखना है कि केपी एंड केसी का रिलेशन क्या रहेगा। देखिए केसी क्या होता है, केसी जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे होते हैं, कंसेंट्रेशन जब हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब मान लो आर एफ बोल दिया था इक्वल हो जाए आर बी बैकवर्ड डायरेक्शन की, ये क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो यहां से अपने पास रेट कॉन्स्टेंट आए थे, एक के फॉरवर्ड का आया था और के बैकवर्ड का आया था, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड किया तो इसको हमने के बोल दिया। अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म बात कर रहे हैं तो के सी बोल दिया हमने, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इन टर्म ऑफ प्रेशर हमने इसको क्या बोल दिया, केपी बोल दिया भाई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रिलेशन हमने जानना है, ये बात पिछले वीडियो के अंदर भी हम कर चुके हैं। चलिए इनका रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, मैंने लिखना भी इसका आया था, दोबारा से सीख लेते हैं। केसी ऊपर मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी इंटू डी रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री क्या है इसका सी है इसका डी है, अपॉन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन दी टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम केपी, केपी को कैसे लिख सकते हैं, केपी को लिख सकते हैं भाई हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स का, मतलब पी सी अपॉन सी पी डी अपॉन डी, नीचे रिएक्टेंट का पी ए अपॉन ए पी बी अपॉन बी, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दोनों ही चीजें कर सकते हैं, केसी हो गया केपी हो गया, ठीक है। जब इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, अब देखो प्रेशर और कंसेंट्रेशन कहां पर अपने पास जो है सिमिलर निकल के आते हैं, इस चीज को हमने देखना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर चलो, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी बाय आर टी कर दिया मैंने, एन बाय वी कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स बता दिया, क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन को तो डिनोट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को तो भाई ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की बजाय मैं पी आर टी लिख सकता हूं, ठीक है, चलिए जी लिख देते हैं, मतलब के सी इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर किसका सी का, पी सी बाय आर टी सी इंटू पी डी अपॉन आर टी डी अपॉन पी ए बाय आर टी की पावर ए पी बी आर टी की पावर बी, ये लिख सकते हैं। मैंने सिंपली क्या किया है, सिंपली मैंने यहां से आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, पीवी एंड आर टी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को मैंने क्या किया रिलेट कर लिया, और प्रेशर को रिलेट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी, इतनी बात ठीक है। अब यहां से आर टी को हम कॉमन ले लें, ठीक है, और पी सी पी डी की पावर को अलग ले लें, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू वन बाई आर टी की पावर सी, ठीक है, वन बाई आर टी की पावर डी, और पी सी एंड पी डी
और इन दोनों के पार वही रहेगी सी एन डी। ठीक है, ओके जी, इसको हम लिख सकते हैं 1/RT की पावर ए, 1/RT की पावर बी, PA की पावर ए एंड PB की पावर बी, ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। आर टी को हमने बाहर निकाला एंड प्रेसेस के टर्म को अलग किया। अब ये देखिए, पी सी की पावर सी, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए अपॉन में पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी, सेम आ गया। तो मतलब मैं इस पोर्शन को के सी लिख सकता हूं, ठीक है, सॉरी के पी लिख सकता हूं, ठीक है। तो और इसको देखो, इसको मैं सी प्लस डी लिख सकता हूं, मतलब मैं लिख सकता हूं 1/RT के पावर सी प्लस डी अपॉन 1/RT के पावर ए प्लस बी, ठीक है। और ये आ गया मेरा केपी। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब ये 1/RT है, इसको अगर मैं ऊपर लिखना चाहूंगा तो ये पावर माइनस का हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से सी प्लस डी 1/RT ऊपर लेके आए तो माइनस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, 1/RT है, 1/RT को इस साइड लेके आओ, RT आ गया, ये हो गया KP इज इक्वल टू KC RT की पावर, ठीक है, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही हो जाएगी। C प्लस डी क्या है, C और D नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रही है किसके, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और AB क्या है, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मतलब डेल्टा एन हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, और इसको हम डेल्टा एन जी, यही चीज तो है। अच्छा, इसको हम डेल्टा एन लिख सकते हैं, मतलब यहां से मेरे पास निकल गया है के पी इक्वल टू के सी की पावर आर टी की पावर, आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ किसके कंसीडर करने, गैसेस फॉर्म के करने, क्योंकि प्रेशर का काम कहाँ होगा, सिर्फ गैसेस फॉर्म के अंदर होगा, लिक्विड और सॉलिड के अंदर गैसेस का काम होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं डेल्टा एन जी मतलब डिनोट करने के लिए ये डेल्टा एन जी लिखा होता है, ताकि ये डिनोट कर दे भाई गैसेस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये इनका रिलेशन निकल के आता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इसके ऊपर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर सोल्व, ठीक है। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा इनका रिलेशन, यही डेरिवेशन ही आज हमने करना था इस वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे आता है, इसके ऊपर अपने पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है एट 500 डिग्री सेल्सियस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है अपने पास N2+3H2, क्या बना रहे हैं, NH3, 2NH3 बना रहे हैं, ठीक है। ये भी गैसेस हैं, ये भी गैसेस की फॉर्म है, ये भी गैसेस की फॉर्म है, ठीक। और हमने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी, हमें दे रखी है वैल्यू, केसी की वैल्यू दे रखी है, केसी की वैल्यू दे रखी है 6.02 × 10⁻²⁻ लीटर पर मोल, ठीक है, सॉरी लीटर इनवर्स स्क्वेयर मोल, इनवर्स स्क्वेयर में दे रखी, लीटर स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके अंदर हमें केसी की वैल्यू दे रखी है, अब हमें क्या करना है, अब हमें केपी की वैल्यू निकालनी है। केपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सा याद रखो, केपी इज इक्वल टू केसी की आर टी की पावर डेल्टा एन जी, केसी गिवन है भाई अपने पास, ठीक है। डेल्टा एन जी कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 और 1 4 मतलब -4 करेंगे, कितना आया -2, मतलब के पी इज इक्वल टू के सी की पावर आर टी की पावर, सॉरी आर टी की पावर -2 अपने पास निकल के आ जाएगा। और यहां पर आर की वैल्यू हमें पता होता है, टेम्परेचर अपने पास गिवन है, के सी की वैल्यू भी गिवन है, तो के पी की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इनका रिलेशन समझ में आया होगा केपी एंड केसी को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जय हिंद।